मोहम्मद राशिद मौजपुर से पूछते हैं, मुफ्ती साहब एक मसले की वजाहत फरमा दीजिए कि अगर शौहर बीवी में किसी बात को लेकर नाइतफाक़ी हो जाए और वो नाइतफाक़ी इस हद तक बढ़ जाए कि शौहर बीवी दोनों अलग अलग मकाम पर रहने लगे, बातचीत भी ना होती हो और इसी दरमियान में शौहर का इंतकाल हो जाए, तो क्या इस वजह से कि वो दोनों अलग रहते हैं उनका निकाह टूट जाएगा और औरत पर इद्दत करना ज़रूरी होगी नहीं होगी? तो भाई इसका सादा से जवाब तो ये है कि शौहर बीवी में अगर नाइतफाक़ी हो गई और वो दोनों अलग अलग रहने लगे, यहाँ तक कि उनमें आपस में बातचीत भी नहीं होती, दुआ सलाम कुछ भी नहीं, उसके बाद भी उनका निकाह नहीं टूटेगा, क्योंकि निकाह के ज़रिए से एक मर्द औरत के लिए, औरत मर्द के लिए हलाल हो जाता है और ये तब तक नहीं टूटेगा जब तक उसे तोड़ने की खुद कोशिश न की जाए। अब जहाँ तक ताल्लुक़ इस बात का है कि शौहर का इंतकाल हो गया, शौहर के इंतकाल होने के बाद में औरत को चाहिए कि वो आए, आने के बाद में इद्दत को उस घर में इद्दत गुजारे, लेकिन अगर वो नहीं आई है और उसने इद्दत नहीं की है तो वो खुद गुनहगार होगी। इद्दत को गुजारना शरीयत का, इद्दत गुजारना शरीयत का कुरान का हुक्म है, इद्दत पूरी करनी पड़ेगी। जितने दिन बाकी है, अगर इद्दत 4 महीने 10 दिन है, अगर 4 महीने 10 दिन हो चुके हैं तो इद्दत का वक्त पूरा हो चुका है, वो गुनहगार होगी, और अगर 4 महीने 10 दिन अभी शोहर के इंतकाल को नहीं हुए, 3 महीने हो गए हैं, तो बकिया 1 महीने 10 दिन वो इद्दत गुजारेगी और उनको 1 महीना 10 दिन तक इद्दत गुजारना पड़ेगा। और नाइतफाक़ी की वजह से दूर रहने में या बातचीत न करने में निकाह नहीं टूटता। हाँ ये कि अगर शोहर ये कह दे, कसम उठा कर कह दे कि मैं 4 महीने तक तेरे पास नहीं आऊँगा, तो अब शोहर ने कसम उठाई कि मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि मैं तेरे पास नहीं आऊँगा 4 महीने तक, और वो 4 महीने तक गया भी नहीं है, तो शरीयत में इसका नाम है ईला। अब उसको तलाक हो जाएगी और तलाक बाइन होगी, लेकिन इस इला के वाक़ होने के लिए भी 4 शर्तें हैं। नंबर 1, शौहर आकिल हो, अकलमंद हो, बालिग हो, बेवकूफ़ ना हो, मजनू दीवाना ना हो, बच्चा ना हो। नंबर 2, जो वो कह रहा है कि 4 महीने तक मैं तुझसे मुलाकात नहीं करूँगा, वो अपनी बीवी से कह रहा हो, किसी और किसी ने कह रहा हो। नंबर 3, इस 4 महीने के जो वक्त है उसमें 1 दिन का भी इस्तिस्ना ना हो, यानी वो यूँ ना कहे कि मैं 4 दिन 4 महीने तुझसे मुलाकात नहीं करूँगा मगर बीच में 1 दिन मुलाकात करूँगा, तो फिर इला वाकई नहीं होगा। नंबर 4, किसी जगह का तायुन भी ना हो, यानी वो यूं ना कहे कि मैं अपने घर में 4 महीने तक तुझसे नहीं मिलूंगा, अलबत्ता गेस्ट हाउस में, फुला घर में, फुला मकान में जाकर मुलाकात करूंगा, ऐसे में। तो इला के वाके होने के लिए 4 शर्त है। नंबर 1, शौहर आकिल हो, बालिग हो। नंबर 2, अपनी बीवी से वो कह रहा हो। नंबर 3, किसी मकान को मुतय्यन न किया हो, बल्कि ये कहे कि मैं कहीं भी तुझसे मुलाकात नहीं करूँगा। नंबर 4, किसी दिन का इस्तिस्ना हो। अगर उसने कसम उठा ली 4 महीने मुलाकात न करने की इन 4 शर्तों के साथ में, तब उसको एक तलाक बाइन हो जाएगी, उसने मुलाकात उससे नहीं।